नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज फॉर यू में। दोस्तों, जिन्होंने भी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि व्यापम का ग्रुप 4 का एग्ज़ाम दिया था जो कि 2018 में हुआ था, उन सभी के लिए एक न्यूज आई है और ये न्यूज दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में आई हुई है, तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आपको इस चैनल के वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप इस तरह की महत्वपूर्ण अपडेट को समय पर पा सकें। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिए। तो दोस्तों, ये रहा वो नोटिस और ये पेपर की कटिंग है जिसमें कि दिया गया है कि, और ये जो नोटिस है वो उन सभी के लिए है जिन्होंने भी ग्रुप 4 का एग्ज़ाम दिया था और जिनका नाम अभी भी वेटिंग लिस्ट में है, उन सभी के लिए है। तो यहाँ पर कार्यालय अधिष्ठाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज की तरफ से ये नोटिस आया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल के द्वारा समूह 4 के अंतर्गत संयुक्त भर्ती परीक्षा 2018 में स्टेनोग्राफर, स्टेनोटाइपिस्ट, सहायक ग्रेड 3 एवं अन्य समकक्ष पदों की आयोजित परीक्षा में उपलब्ध कराई गई प्रावीण्य सूची में द्वारा संस्था में रिक्त पद पर की पूर्ति किए जाने के पश्चात शेष रिक्त पदों पर प्रतीक्षा सूची से प्रत्येक पद एवं श्रेणी पर प्रतीक्षा क्रमांक 1 से प्रतीक्षा क्रमांक 10 यानी कि वेटिंग क्रमांक 1 से वेटिंग क्रमांक 10 तक उम्मीदवारों को दिनांक 22/7/2019 को आमंत्रित किए जाते हैं। तो यहाँ पर जिनका भी वेटिंग लिस्ट था, नीचे दिया गया है नोटिस जिन पदों के लिए, उनको यहाँ पर 22/7/2019 को बुलाया गया है प्रतीक्षा क्रमांक 1 से प्रतीक्षा क्रमांक 10 तक। और यहाँ पर दिया गया है कि उम्मीदवार निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। तो आपको वहाँ पर यहाँ जो दस्तावेज दिए गए हैं वो आपको वहाँ पर ले जाने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया है परीक्षा का प्रवेश पत्र, दूसरा है स्वयं की 2 फोटो जैसा कि प्रवेश पत्र में लगाया गया है, और तीसरा है हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी परीक्षा प्रमाण पत्र यानी 10th और 12th की मार्कशीट, इसके साथ ही साथ मूल्यवासी प्रमाण पत्र और सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा संबंधित पदों हेतु निर्धारित योग्यता का प्रमाण पत्र एवं अंक सूची। 7वें नंबर पर विधवा या परित्यक्ता या तलाकशुदा की स्थिति में नोटरी द्वारा अभी प्रमाणित तत्संबंधी शपथ पत्र, और दिनांक 26/1/2001 के बाद 2 से अधिक संतान न होने का नोटरी द्वारा अभी प्रमाणित शपथ पत्र। 9वें पर है शासकीय सेवा में कार्यरत उम्मीदवार द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र, और 10वें पर है भूतपूर्व सैनिक होने का सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र, 11वें नंबर पर है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा जारी परीक्षा परिणाम की छाया प्रति। तो यहाँ पर कुछ पद दिए गए हैं जिनकी वेटिंग लिस्ट क्लियर हुई है और वेटिंग क्रमांक भी दिया गया है, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टेनोग्राफर का दिया है, तो स्टेनोग्राफर में आपको जनरल में प्रतीक्षा क्रमांक 1 से 10 तक बुलाया गया है, और ST में भी प्रतीक्षा क्रमांक 1 से 10 तक, और SC में भी प्रतीक्षा क्रमांक 1 से 10 तक वालों को बुलाया गया है। तो स्टेनोग्राफर में जिनकी भी वेटिंग थी और 1 से 10 के बीच है, उनको यहाँ पर जो डेट दी गई है उस डेट में सभी डॉक्यूमेंट के साथ आपको पहुँचना है। ऐसे ही स्टेनोटाइपिस्ट में है, जनरल में जो बुलाया गया है स्टेनोटाइपिस्ट के लिए वो है वेटिंग क्रमांक 1 से 40 तक बुलाया गया है जनरल में, और जनरल फीमेल में 1 से 10 तक वालों को बुलाया गया है, और SC में वेटिंग क्रमांक 1 से 10 तक बुलाया गया है। रिकॉर्ड क्लर्क की जो पोस्ट है उसमें सिर्फ जनरल वालों को बुलाया गया है, और उसमें प्रतीक्षा क्रमांक यानी कि वेटिंग क्रमांक 1 से 10 तक वालों को बुलाया गया है। इसी प्रकार DC स्कोडर, ये जो पोस्ट थी इसमें सिर्फ जनरल वालों को बुलाया गया है क्योंकि इसमें एक ही पोस्ट खाली रह गई है, और उसमें प्रतीक्षा क्रमांक 1 से 10 तक वालों को बुलाया गया है। रिकॉर्ड टेक्नीशियन, इसमें जनरल से वेटिंग क्रमांक 1 से 10 तक वालों को बुलाया गया है, और ST में भी वेटिंग क्रमांक 1 से 10 तक वालों को बुलाया जा रहा है। आखिरी पोस्ट है इसमें सहायक ग्रेड 3 यानी कि असिस्टेंट ग्रेड 3, इसमें ST में जो सीट खाली है उसमें वेटिंग क्रमांक 1 से 10 तक वालों को बुलाया गया है, और ST में जो सबसे पहले ST है, यहाँ पर जो सबसे ऊपर ST दिया शायद वो विकलांग के लिए जो सीट दी गई थी उसमें वेटिंग क्लियर हुई है, 1 से 10 तक के बीच वेटिंग वालों को बुलाया है, और ST
ओपन कोटा से हैं जो उनके लिए भी प्रतीक्षा क्रमांक 1 से 20 तक वालों को बुलाया गया है। एसटी में जो ओपन भर्ती थी वहाँ पर, और एसटी में फीमेल कोटा है जो वहाँ पर भी प्रतीक्षा क्रमांक 1 से 10 तक वालों को बुलाया जा रहा है। तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा वीडियो को रोककर ध्यान से। तो दोस्तों, अगर अभी आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।